आज का प्रेरणा पाते परस्पर करो जीवानाम, यानी ये सारी हमारा जितना भी जीवन है वह सापेक्ष जीवन है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तत्व हो सकता है लेकिन जीवन सापेक्ष होता है। कोई यह कहता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है तो वह गलत कहता है और समय आने पर उसको सरेंडर होना पड़ता है। साधु सन्यासी भी भिक्षा लेने के लिए ग्रस्त के घर आते हैं और कोई हिमालय की गोद में जाकर भी अगर साधना करना चाहे तो वहाँ भी उसको रोटी की जरूरत होगी, शेल्टर की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, तो वहाँ पर किसी न किसी सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो अकेला नहीं रह सकता है। तो समाज को चलाने के लिए परस्पर गुरु जीवानाम का सिद्धांत का ध्यान देना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा कि अगर किसान अन्न नहीं दे तो हम जिंदे नहीं रह सकते, अगर पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन नहीं देवे तो हम मर जाएंगे, अगर माता पिता हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम बड़े कैसे हो सकते हैं, और अगर पौधा है उसकी रक्षा माली नहीं करेगा तो पौधे को जो है पशु खा जाएंगे, उस पर ट्री गार्ड लगाता है, उसको पानी से सिंचन देता है, खाद वगैरह देता है। यानी ये एक दूसरे का सहयोग करना ये परस्परोपग्रह जीवा नाम है, और ये सहयोग लिए दिए बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता है। पूरे समस्त प्राणियों का जीवन है वो लेने देने से चलता है, इसीलिए हम रिलेटिव है, हम परस्पर है, तो हमें परस्पर जो है एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, निरपेक्ष नहीं होना चाहिए।